जब मकाम तस्लीम नहीं। आज इसी चीज को दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। किसके सामने बंदा तस्लीम हो? अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने। अब मौला गैबत कुबरा में जा रहे हैं, फरमाते हैं मैं तुझे लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, गैबत कुबरा में जा रहा हूं। मौला अब किसकी इताअत करें? फरमाया साइनन लिनफ्से, जो अपने नफ्स पर काबू पाए, जिसमें सियानत नफ्स हो, जो खुद को गुनाह से दूर रखे, उससे उसकी इताअत करो। दूसरा फरमाया जो हमारे अखबार के उलूम में क्या रखता हो, महारत रखता हो, जिसको आज हम मुश्तहिद कहते हैं, मर्जा कहते हैं। मैंने कहा दुनिया की ताकतों ने देखा कि शिया अगर मजबूत है, इनकी आइडियोलॉजी अगर मजबूत है, क्यों? शियों के इमाम एक सिस्टम देकर गए, यानी इकोनॉमिकली सिस्टम भी आपको देकर गए, लीडरशिप का सिस्टम भी आपको देकर गए। किसी भी कौम को चलने के लिए दो चीजें चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए और अच्छा इकोनॉमिकली सिस्टम चाहिए। इकोनॉमिकली सिस्टम होम्स की सूरत में देकर गए कि जिससे तुम्हारे मदरसे, जिससे तुम्हारी इबादत, जिससे तुम्हारी तबलीग, जिससे मकतब की तरवीज, जिससे मकतब अहले बैत की तरवीज होती रहे, और लीडरशिप की सूरत में तुझे मराजे की सूरत में उलमा देकर गए। इसको कब रियलाइज किया दुनिया की ताकतों ने? कि जब ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां ईरान में थी, शाह ईरान के जमाने में, और उनकी वहां पर सिगरेट की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों के बहाने ईरान को लूटने आए थे। उस वक्त आयतुल्लाह अल-उज़्मा शिराज़ी ने एक फतवा दिया शियों को, कहा कि तुम सब पर तंबाकू नोशी हराम है। अब पिछले जमाने में ये बुढ़ी बुढ़ियां भी हुक्का पीती थी ना, आदत थी। जब तंबाकू आया, अब लोगों को याद होगा ये घरों में किसी की बूढ़ी नानी, किसी की बूढ़ी दादी पुराने जमाने में तंबाकू, जाहिर है हुक्का, हर घर में हुक्का होता था। इसी तरह इराक में, अरबों में भी ये बीमारी इतनी ब्रिटिश कंपनीज ने फैला दी कि हर घर में तंबाकू, जिस तरह बर्रे सगीर में हर घर में चाय का नशा लग गया। अब देखिए कितना दिमाग है उनके पास। पत्ता था जिसको कोई खरीदता नहीं था, उस पत्ते को चाय का रंग दिया और हर बंदे को उसका क्या बना दिया? आदि बना दिया। अब पत्ते को जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जब ये उसूल है बिजनेस का ना, सेल एंड डिमांड, पहले डिमांड बढ़ाओ फिर उसकी सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। माशरे में चाय के पत्ते की डिमांड बढ़ाई, अब हर घर में, अब बंदा खा के उसमें बहुत कम सा निकोटिन होता है, बंदे को आदत हो गई। अब जब जिस्म को आदत हो गई, वो चाय का नशा ही बन गया, अब सर का दर्द नहीं उतर रहा जब तक चाय का कप न पी ले। अब इसके जिस्म को चाय कंट्रोल कर रही है। इसी तरह सिगरेट के तंबाकू को आम कर दिया, अब जैसे सिगरेट आम हुआ, घर घर में हुक्का था। अब तसव्वुर तो करें, अगर इस कौम में रसूल खुदा ने ऐसे नहीं जनाब सलमान की पीठ पे हाथ रख के कहा था कि सलमान मेरा वो सिपाही है कि इसकी कौम अगर इल्म सुरैया पर भी हो तो लेकर आएंगे, ये निशानियां रसूल उस जमाने में बताई थी। अगर किसी कौम में खूबियां हैं, उससे जेलस नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। आप भी अपने अंदर क्या पैदा करें? खूबियां पैदा करें। अब एक मुश्तहिद ने जो सबसे बड़े मर्जा थे फतवा दिया कि भाई तंबाकू नोशी क्या है? हराम है। अब जाहिर है इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसका डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ पाउंड्स का बिजनेस होता था, एक बंदा आकर फतवा दे नहीं, लोग सेल पूरी ठप हो गई, सारी सेल खत्म हो गई। इन्होंने प्रेशर डाला शाह पर कि तुम्हारी नहीं चल रही, एक मौलवी की चल रही है, तुम्हारी कौम तुम्हारा नहीं सुन रही, मौलवी का सुन रही है। उसने अपने वजीर को बोला कि प्रेशर डालो लोगों पर कि ये चीजें खरीदें। वजीर ने कहा किबला मैं करूं तो क्या करूं, मेरी तो अपनी मेरे घर में नहीं चलती। क्या मतलब? कि मैं घर गया, वो मेरी अम्मा जो डेली बेसिस पे हुक्का पीती थी, घर के सहन में पहुंचा, हुक्का सहन में टूटा हुआ पड़ा था। बेटे को कहा हुक्के को फेंक दो, क्योंकि शिराज़ी ने कहा आज के बाद तंबाकू नहीं पीना। ये मकाम तस्लीम है ना। कौमें ऐसे तो मजबूत नहीं होती, कौमें तब मजबूत होती हैं जब अपनी कौम के रहबर और लीडर्स की किस्में आती हैं, इताअत में आती हैं। अब एक बारीक नुक्ता दे रहा हूं, समझदार लोग समझ जाएंगे। देखिए उलमा ने, बड़े बड़े लोगों ने, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो खुली है, अमेरिका ज्यादा मुनाफिकत नहीं करता। वो तो भाई ये चीज है, अगर तुम्हारा ताल्लुक मसलन इससे उससे, हम तुझे वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, वो खुली पॉलिसी बताते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, ये शुरू से इसकी पॉलिसी मुनाफिकत वाली पॉलिसी रहती थी, जिनको फॉक्स भी बोला गया, यानी लुमड़ी वाली पॉलिसी, सामने दोस्त बन के आना, ये लुमड़ी वाली पॉलिसी। और याद रखना, ये कभी भी तू अपने दुश्मन को भूल सकता है, ये अपने दुश्मनों को नहीं भुलाते। फतवा किसने दिया था? किसने दिया था? आगा शिराज़ी ने। आज उन्हीं के बच्चों को ये लोग गाइड कर रहे हैं। बाप का बदला किससे लिया?
उनकी नस्लों से ले रहे हैं। आज सबसे बड़े टीवी चैनल, सबसे बड़े जो फंडेड और सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि शियों में सबसे ज्यादा अगर किसी का पावर है तो मराजे का है ना, मुश्तहिदीन का है। इराक में जब मुक्तदा सदर की फौजी और सोल्जर्स हरम मौला अली में भी दाखिल हो गए थे और इतने महदूद हो गए, हरम पे बमबारमेंट होने लगी, हरम पे गोलियां चलने लगी, पूरी कौम को घरों से किसने निकाला था? आसिस्तानी ने निकाला था। लुबनान की कौम को किसने खड़ा किया था? पावर किसके पास था? क्या वो उससे पहले शहीद सदर उनका पावर था ना? लेकिन सवाल यह है, अब इन्होंने कहा कि पावर इनके मराजे के पास। दो काम इन्होंने किए, कहे एक तो फेक मराजे बनाओ या उनको सपोर्ट करो, अब वो मॉरली सपोर्ट हो या फाइनेंशियली सपोर्ट हो, और उसके जरिए से शियों में क्या डालो, दरार पैदा करो। दूसरा, इनके अंदर ऐसे गुरुह बनाओ जो लोगों को उलमा के खिलाफ करें। कि मैंने कहा ना, पहला काम क्या किया कि शियों के अंदर वहाबी मौलवी बनाए। अब जाहिर है वो शिया जो या अली मदद कहता रहा पूरी जिंदगी, अहले बैत से हर जब दुआ करता रहा तो अहले बैत से मदद मांगता रहा, अब एक ऐसा मौलवी बनाया जो वहाबी फिगर वाला, उसने या अली मदद के खिलाफ बोल दिया, वो तवस्सुल का मुनकर बन गया, तो लोग किसके मुखालिफ हो गए? उलमा के मुखालिफ हो गए। फिर ऐसे जाकिर बनाए जो जगह जगह हर मजलिस में उलमा को गालियां देते रहे, ये अमामा नहीं है, पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये टायर है, इन्होंने पहना हुआ है, ये कुम से पढ़ के आते हैं, नजब से पढ़ के आते हैं। मतलब लोग जब आलिम से दूर होंगे तो इल्म से दूर हो जाएंगे, और उससे बदतर जो अलमिया हुआ वो क्या हुआ, क्योंकि जाहिर है इनकलाब इस्लामी से पहले 80% पाकिस्तान में मिंबर का कब्जा, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, सबसे ज्यादा शियत पंजाब है, कराची में तो जितनी शियत बड़ी वो तो इंडिया से जो माइग्रेट होकर आए वो शियत है ना, तो यहाँ तो पहले से ये सिटी इल्म के नाम से मशहूर था शुरू से ही, क्योंकि लखनऊ से, अब जाहिर वो अमामा नहीं पहनते थे, जिना के पहनते थे, लेकिन वो पढ़े लिखे होते थे। आप आज भी पुरानी मजालिस आप उठाकर देखेंगे, उसमें आपको इल्म कलाम की भैंसे नजर आएंगी। मैं तो एक दिन अफसोस आ रहा था, इतनी पुरानी मजालिस जो 60s की मजालिस हैं, हम सुन रहे थे तो उसमें इल्म कलाम की भैंसे जो हम हौजे में पढ़ते हैं, और मजमा समझ भी रहा था, मजमा समझ के जवाब भी खतीब को दे रहा था, और मैंने कहा इल्म बढ़ना चाहिए था, और दिन ब दिन अवाम की जो इल्मी सतह है वो क्या होती गई, कम होती गई, क्योंकि अक्सरियत जो मिंबर थे वो किन के पास थे? आप अल्लामा रशीद तुराबी की मजलिसें सुने, सजदे पे, इबादत पे, इल्म कलाम की वैसे वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, ये वो इस्तिलाह है जो हौजों में होती हैं। इतनी इल्मी मजलिसें जो दर्स है हौजों में तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है, वो पूरी मजलिस में अवाम को समझाते थे। वहां उस जमाने के जवान, उस जमाने के बुजुर्ग मजलिसे समझते थे। क़िबला फ़िरोज़ आबदी की आप मजालिस सुने, कितना इल्म अपनी मजालिस में देते थे, लेकिन क्योंकि एक बहाव था, उस जमाने में लखनऊ से पढ़ के आते थे, साहिबान इल्म थे, लेकिन जब पाकिस्तान में माइग्रेट हुए कराची बचा रहा, लेकिन क्योंकि पंजाब में अक्सरियत इनकी थी, जाकिरों की थी, वहां पर उलमा थे नहीं। आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ इनकलाब इस्लामी ईरान से उलमा आना क्या हुए, शुरू हुए, दर इल्म बढ़ा, हौजा खुला, वहां पे इल्म हासिल किया, अब साहिब अमामा उलमा यहां पे आना शुरू हुए। कई ऐसे खतीब जो पहले जिना के पहनते थे, उन्होंने इल्म हासिल किया, बाद में वो साहिब अमामा बन गए, आंगे। अब क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन से, ये बात हकीकत है कि मजलिस इमाम हुसैन तबलीग भी है, लोगों को पैगाम इमाम हुसैन पहचान का बेहतरीन जरिया भी है, लेकिन ये भी तो था ना, जो जाकिर पढ़ते थे, खतीब पढ़ते थे, इसी मजलिस से उनका घर चलता था, ये भी हकीकत है, इसी मजलिस के जरिए इमरारे माश होता था। अब जाहिर है 10 मेंबर हो, 10 मेंबरों पे 10 जाकिर हो, पीछे से 10 मौलवी भी आ गए, अब क्या बना, कंपटीशन बना। अब उन्होंने इसको अपना दुश्मन समझा, अगर ये मेंबर पर आया मुझे कौन पढ़ाएगा, अगर इसने इल्म की बातें की मुझे कौन सुनेगा, अगर इसने हकीकी मजहब दिया मुझे कौन सुनेगा। अब उन्होंने उलमा की क्या करना शुरू कर दी, मुखालिफत। दुश्मनी आलिम से नहीं थी, दुश्मनी अपने पेट के बका के लिए थी, ये आएगा तो मुझे कौन पढ़ाएगा, लिहाजा इस दुश्मनी की वजह से उलमा से एक शदीद दुश्मनी हुई। और जाहिर है जिस तरह पंजाब का पानी सिंध में आता है, सिंध का पानी वहां जाता है, तो फिक्र भी कभी वहां की यहां आ जाती है। जिस मिंबर पर रशीद तुराबी जैसे लोग बैठते थे, हमने इन्हीं मिंबरों पे जाहिलों को बिठाना शुरू किया, न मदरसे में पढ़े न क्या, कुछ भी नहीं, इवन सही उर्दू भी नहीं बोलते, कुरान की आयतें पढ़ते हैं उसको भी तोड़ मरोड़ के कुरान की आयतें पढ़ देते हैं। मतलब ये तकद्दस है मिंबर, कम से कम इस शहर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शहर तो उलमा का शहर था, ये शहर तो साहिबान इल्म का शहर था, लेकिन एक ऐसा क्लेश उन्होंने पैदा किया।
अब जगह जगह वो नाम अली जो लोगों को मुत्तहिद करता था, उसी नाम की वजह से लोग क्या होने लगे, लड़ने लगे। ये मैं आंखों देखे वाकयात आपको बता रहा हूं। एक घर में दो भाई रहते हैं, आपस में बात नहीं करते, दोनों शिया। बिठाकर मैंने छठे इमाम की हदीस सुनाई। मैंने कहा मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, अगर हमारे चाहने वाले 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज रहे, इन दोनों पर अली की, अल्लाह की और जाफर सादिक की लानत हो। 3 दिन से ज्यादा सिले रहमी अगर तुम्हारे अंदर नहीं, ये मकतब ने तुझे सिखाया, हुसैन हुर को माफ कर दे जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही, और अगर मौला को जाने देता, मौला कूफे पहुंचते, मंजर कोई और होता, लेकिन हुर को सीने से लगाया। ये अखलाक अली इब्ने अबी तालिब था। आज शिया शिया को काफर बना रहा है। ये कैसे अलकाबात हैं कि तू गाली है, तू मुकसर है। गाली भी जहन्नुमी है, मुकसर भी जहन्नुमी है, बीच में बचा कौन? एक मुकसर बन गया, गाली बन गया, बीच में कौन बचा? क्योंकि हम अकाइद से दूर हो गए, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन एक मरतबा नहजुल बलागा नहीं पढ़ा। हमने इतनी जहमत नहीं की अपने घर में अकाइद इमामिया की एक किताब रखी। हमने इतनी जहमत नहीं की तौज़ीहुल मसाइल उठा के घर में रखें ताकि बच्चे को पता हो निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। हुसैन की महफिल में जाओ तो लिबास पाक होना चाहिए, वजू कैसे किया जाता है, अहकाम क्या होते हैं, बेटी का अदब कैसे किया जाता है, वालिदैन का एहतराम कैसे किया जाता है, एक दूसरे के हुकूक क्या होते हैं, इर्स के मसाइल क्या होते हैं। नाम हुसैन ले रहा है लेकिन बहन का हक नहीं दे रहा, नाम हुसैन ले रहा है लेकिन भाइयों का हक मार के बैठा है। अगर उस गासिब पे लानत है जिसने सैयदा का हक मारा था, तू भी तो गासिब है ना। कोई बड़ा गासिब है, कोई छोटा गासिब है, लेकिन अल्लाह आदिल है, सजा तो अल्लाह देगा। ये हमारे उसूल दीन में है शर्त अदालत। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह उसे सजा दे और तुझे सजा न दे। अगर तू दुनिया को अपना हदफ बना देगा, हुसैन वाला नहीं हो सकता। अगर तू आखिरत पे निगाहें रखेगा, फिर जिंदगी में सफर करेगा, फिर है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना, नतीजे में क्या है, वकीना अजाबन्नार। अगर दुनिया भी हसन हो, आखिरत भी हसन हो, फिर इंसान जहन्नुम की आग से बच जाता है।